छतरपुर में एंटी माफिया अभियान जोरों पर है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने माफियाओं के चंगुल से 6 एकड़ जमीन मुक्त कराई, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। जमीन पर पुष्पेंद्र दुबे, रामकरण कुशवाहा और मोहम्मद अली ने कब्जा कर रखा था। छतरपुर मुख्यालय से लगे हुए सौरा ग्राम में भू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 6 एकड़ जमीन मुक्त कराई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12 करोड़ रुपए है। दरअसल इस जमीन पर पुष्पेंद्र दुबे और रामकरण कुशवाहा द्वारा प्लांटिंग कर जमीन बेची जा रही थी और अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। छतरपुर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया गया है। जमीन के कुछ हिस्से में मोहम्मद अली नाम के पक्ष ने भी कब्जा कर रखा था, जिसे हटा दिया गया है। उस जमीन पर जो अनाधिकृत मकान बने थे उन्हें ध्वस्त किया गया है। वहीं जिन मकानों में लोग निवासरत हैं उन्हें नोटिस जारी कर जल्द खाली करने के हिदायत दे दी गई है। सोरा में जो सरकारी जमीन है, सर्वे नंबर 284-285, लगभग 6 एकड़ जमीन थी, जिसका शासकीय मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपए है और जो बाजारू मूल्य है लगभग 12 करोड़ की कीमत का था। श्री पुष्पेंद्र दुबे और रामचरण कुशवाहा जैसे के बदमाश लोग हैं, उनके द्वारा गरीब लोगों को जमीन बेच के कॉलोनी का, अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। संबंधित जो जिन लोगों के मकान कोई निवास नहीं कर रहा था, मकान को हटा दिया गया और जो मकान में लोग निवासरत हैं उनको नोटिस जारी करके खाली कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।